हमारे देश भारत में हर प्रांत के खाना अलग अलग होता है। कुछ खाना तो पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाता है और कुछ ऐसे खाना है जिसको कुछ इस हिस्सों में ही वो प्रसिद्ध होके ही रह जाती है। उसमें से एक है उड़ीसा का चितौ पिठा, जो कि उसको मनाने के लिए एक खास त्यौहार भी होता है, वो एक अमावस के दिन बनता है। वैसे तो पूरे साल में कभी भी वो घर में बनता है। वो डोसा जैसे होता है लेकिन उसका एक अलग स्वाद है। उसको बनाने का प्रणाली अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। चावल को लेकर उसको 4 से 5 घंटा भिगा दीजिए और भीगे हुए चावल को नारियल को कद्दूकस करके उसके साथ मिलाकर ग्राइंडर में पीस लीजिए। और ध्यान रखें कि इसको बहुत बारीक से पीसेंगे और उसको इसका कंसिस्टेंसी पतला रखें, डोसा से भी और भी पतला। और उसी बैटर को आप कढ़ाई जब बहुत अच्छे से गर्म होगा तब जाके इसे बनाएंगे। तो कढ़ाई जब गर्म हो जाता है हम उस बैटर को डालते हैं और उसको एक ढक्कन लगा देते हैं और उसके चारों तरफ गुनगुना पानी डाल देंगे। फिर थोड़े देर इंतज़ार करने के बाद ढक्कन निकाल देते हैं और ढक्कन निकालने के टाइम हम देखते हैं कि हमारा, उसको पीठा बोलते हैं, जैसे डोसा होता है ये एक पीठा होता है, तो ये उठ के फूल जाता है और इसको बिना तेल का बनाया जाता है और वो बहुत हेल्दी होता है। और उसे एक तरफ से आप करछी से निकाल के एक जगह पर रखेंगे। ऐसे करके आप एक के बाद एक एक करके पीठा, चितौ पीठा बना सकते हैं। और उसको खाने का प्रणाली ये है कि पीठा को लेके उसमें गरम दूध डाल के उसके ऊपर चीनी डाल के आप खाएंगे तो स्वीट डिश जैसा वो लगेगा। अगर जिसको मीठा की शौकीन नहीं है तो इसको खाली ऐसे भी खा सकते हैं। बच्चे तो इसे आजकल सॉस के साथ और शेजवान चटनी है कि ऐसे कोई अचार के साथ भी नमक जैसे बना के उसे खा सकते हैं।